न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। कनाडा के लोगों के लिए भारत सरकार ने एक बार फिर से वीजा सर्विस शुरू करने का फैसला लिया है। इंडियन हाई कमीशन ने बुधवार को ओटावा में कहा कि भारत 26 अक्टूबर से कनाडा में वीजा सर्विस को आंशिक रूप से शुरू करेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल सिर्फ 4 कैटेगरीज एंट्री, बिजनेस, मेडिकल और कॉन्फ्रेंस में वीजा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच बड़े तनाव के बाद भारत ने 21 सितंबर को वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरदीम बागची ने 21 सितंबर को कहा था कि कनाडा में हमारे डिप्लोमेटिक यूनिट को धमकियां मिल रही है, वे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, यही वजह है कि वीजा सर्विसेज सस्पेंड की गई है। उन्होंने कहा था कि कनाडा आतंकियों को रहने और उनके मंसूबों को अंजाम देने की जगह दे रहा है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।